और यहाँ देखते हैं झिंकुआन जी क्या कर रहे हैं, किचन में चाय बना रहे होंगे जरूर। ये देखो भाई, मुझे पता था चाय बना रहे हैं। बस एक ड्यूटी है इनकी, चाय बनाने की। जॉब देखो किचन में मिलेंगे तो मैं चाय बनाते हुए। यहाँ पे अन्नू और अन्नू के पापा भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और इसके पापा भी की स्कूल भी अनन्या से थोड़ा ऊपर पे है, तो बस साथ में ही जाती है अनन्या पापा के साथ। जब पापा कभी पहले जब पापा की ड्यूटी दूसरी जगह थी ना, तो तब मैं जाती थी सुबह सुबह, तब मेरी ड्यूटी होती थी अनन्या को लेने के लिए। तो आजकल मेरा सही हो रखा है। सुबह जो पहनो आ रही मुझे टेंशन। दोनों भी जाने लग गए हैं स्कूल। भाई मौसम देखो बाहर कैसा हो गया, फिर से वैसी का वैसी। सुबह में मौसम ऐसे होता है। कहाँ बंदर आपका दोस्त है वो। पापा का दोस्त है वो। बाय बाय पापा का दोस्त। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल म्यूजिंग क्वान ब्लॉग में। तो दोस्तों, नए दिन की नई ब्लॉग की नई स्टार्टिंग होगी है। देवभूमि उत्तराखंड के ब्यूटीफुल से शहर गोपेश्वर से हो रही है। तो अभी सुबह का 7 बज रहा है। हर मौसम देखो भाई पूरा कैसा हो रखा है। ये देखो, ये ऐसा मौसम हो रखा है सुबह 7 बजे का। अनन्या लोग स्कूल गए, तो मैंने सोचा चलो यार मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ, और छत में आ गई। और छत भी पूरा गीला हो रखा है, पूरा मौसम ऐसा हो रखा है। ये था पूरा बारिश की वजह से, कल रात पूरी बारिश आई होगी तो उस वजह से भी चारों तरफ ऐसी हो रखा, पूरा फॉगी वाला वेदर हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ छत में कि कैसा हो रखा है मौसम। पे हमारा कालू भी है यहाँ पे छत पे, और ये ना घास खाता है। पता नहीं क्यों, कुछ कुत्तों की दवाई होती शायद, कुछ मतलब पेट में अगर कुछ होता है ना तो ऐसी घास खाते हैं। ये देखो कालू बेटा भी अपनी घास खा रहा है, पता नहीं क्या ढूंढ रहा है उसमें, घास खाता है ये कभी कभी ना। और अन्नू के पापा तो स्कूल चले गए हैं, और नाश्ता वगैरह सब कर दिया। अन्नू को टिफिन भी बना दिया मैंने, तो अब अपने लिए बनाती हूँ मैं। थोड़ा लेट ही करती हूँ ना, क्योंकि सुबह सुबह इतनी 7 बजे तो किसी का मन नहीं करेगा खाने का, तो मैं थोड़ा लेट करती हूँ, मतलब 8-9 बजे के आसपास झाड़ू पोछा सब चीज़ें करके उसके बाद करती हूँ नाश्ता। अकेले ही करती हूँ क्योंकि वो दोनों तो सुबह चले जाते हैं, और मुझे एक तब अकेले ही करना पड़ता। ये प्यारा प्यारा सा मौसम हो रखा है, ये देखो। कहाँ कल्ला, कहाँ है? चल गीला हो रखा यार तू। बाय बाय बाय। कहाँ चाहिए तुझे? यहाँ देखो तू, इसको शैतानी कर रहा है। जाओ उधर पे जाओ, उधर जा जरे तो पार मुझा। ए कालू जा तो पार मुझा। छत में है कालू, तो कालू बेटा को मैं रोटी देने जा रही हूँ। आजकल ना सूखी रोटी खा रहा है वो, तो मैंने उसको देख के आती हूँ मैं। देखना आ जाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ। लो खा ले, खा सूखी रोटी, ताजी रोटी है भाई। खा लो, पहले सूंघ रहा, पता नहीं क्या सूंघ रहा है। खा ले, ले खा ले, खा। भाई साहब नहीं खा रहा। तो दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे हो छतों में कैसे काई जम जाती है ना, पूरी चारों तरफ आप देख रहे हो पूरी छत ऐसी खराब हो रही है। इसमें क्या होता है ना, ये जब काई जमती है ना तो पानी क्या होता है सोखता है अपनी तरफ को, तो उससे क्या होता है कि पानी जो है छत टपकने लग जाती है। तो ये बहुत ही बेकार है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए। उससे क्या होता है कि छत जो है ना वो लीकेज नहीं होती है, और सही भी हो जाती है, साफ भी हो जाता है, ये काई जमती नहीं है फिर। तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालना चाहिए। स्टेडियम में भी कुछ गेम्स वगैरह चल रहे हैं 2-4 दिन से बच्चों के ना, तो अनन्या का भी था। अनन्या ने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, उसको पता नहीं दौड़ने में दिक्कत होती शायद, उसका भी एक बार सिलेक्शन हो रखा था तो फिर उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा यार बच्चों को ना जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। स्टेडियम में चल रहे हैं कुछ गेम्स वगैरह, वैसे अनन्या को भी था, पर अनन्या ने कहा नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे दौड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा यार जिद नहीं करती हूँ। ये देखो सारे बच्चे 2-4 दिन से वैसे ही चल रहे हैं गेम्स वगैरह ने, स्टेडियम में कुछ हो रहा होगा शायद, तो फिर लगे हैं बच्चे दौड़ने पर। तो 2-3 दिन से धूप लगी नहीं थी, तो आज थोड़ी सी धूप लगी है, मतलब वैसी वैसी सांप वाली धूप तो नहीं लगी है, पर हल्की फुल्की धूप लगी है। तो मैंने सोचा ना थोड़ा बेड शीट वगैरह धो दूँ, 2-4 दिन से मशीन में डाली हुई थी ना और स्मेल आती है, तो मैंने दो थी कपड़े कल धो दिए थे। तो
तो बस ये वाली कुर्ती है मेरी एक, और ये कुर्ती पता क्या बताती हूँ, तो ये वाली कुर्ती, वैसे मैं कुर्तियाँ मतलब आजकल मेरे को पता नहीं कुर्ती पहनने का शौक हो रहा है, वैसे मैं ज़्यादा कुर्तियाँ पहनती नहीं हूँ, मतलब वैसे मन तो करता है पर ऐसा होता है ना ट्राउज़र थोड़ा ढीला ढाला पहन दिया तो चल दिए। और ये मेरी कुर्ती है, ये मुझे किसी मेरी एक फ्रेंड है उसने मुझे गिफ्ट करी हुई थी, बहुत पहले करी हुई थी, ऐसे कपड़े ढूंढी थी तो मुझे मिल गए, मैंने कहा चलो यार आज इसी को पहन लेती हूँ और बहुत मस्त लग रही है। और पिंक कलर तो भाई क्या बोलना, मेरा फेवरेट कलर है, पिंक ब्लू ये सारी चीज़ें ना मतलब फेवरेट होता ही है ना, किसी का कोई कलर होता, किसी का कोई कलर होता, तो मेरा ये वाला कलर है और एक ब्लू है, और पहले ब्लैक वाइट होता था, अब वाइट तो मुझे पसंद नहीं है क्योंकि एकदम से गंदे हो जाते ना वो इस वजह से। तो दोस्तों अभी मैं होगी हूँ रेडी और अनन्या को लेने के जाने के लिए, क्योंकि 1 बजे अनन्या की छुट्टी होती तो यही टाइम होता अनन्या को लेने जाने का, तो बस अभी मैंने दाल बना दी है, चावल वहाँ से आने के बाद बनाऊँगी, तो चलती हूँ। और तब तक झिंकवाण जी भी आएंगे, उनकी भी 1-1.5 बजे छुट्टी होती ना, ऊपर से आने आने तक तो वो पैदल आते हैं, आजकल स्कूटी नहीं ले जा रहे, उन पर हाथ पे चोट लगी थी ना इस वजह से, तो उनको आते आते ना उतना ही टाइम हो जाएगा, तो मैं भी चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको। देखना भाई कितने प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है, ऐसे वाले फूल है ना कि हमेशा लगे रहते हैं, ये देखो। तो भाई ये जो वहाँ पे हुआ था ना कोलकाता में, तो उसी के बारे में ही रैली जा रही है यहाँ पे, पूरे गोपेश्वर के कॉलेज के बच्चे ना सारे उसी में जा रहे स्टेशन पे। तो भाई यहाँ पे हमारी पूजा भी होगी शाम को, मैं ना हमेशा तुलसी में दिया जलाती हूँ और बहुत ही अच्छी मतलब अच्छी वाइब्स आती है, तो जलाना चाहिए ना, आप लोगों को भी सुबह होता है और बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, तो सुबह 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 तो धूप जलाती हूँ, रात को दिया जलाती हूँ हमेशा, तो बस अभी जला दिया मैंने तुलसी की पूजा भी कर दी है। और अभी अंधेरा हो रखा है भाई, मौसम देखो रात में ऐसा दिखता है गोपेश्वर का व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। अभी पूरा ये वन साइड है ये मतलब स्टेशन के नीचे, दूसरा साइड वो होता है ना जो हल्दा पानी वाला, वो और भी बड़ा है, इधर तो सिर्फ यही दिखता है गोपेश्वर पार्क का एरिया। बस अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली है और अब इसके बाद खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, झिंकवाण जी जा रहे हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि हमारा दूध आता है 8:30 बजे के आसपास आता है ना, तो उतने बजे वो दूध लेने जाते हैं, तब तक मैं पूजा करके और सब्जी सब्जी काट के रख देती हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ मैं शाम को दाल, और मतलब चना अरहर की दाल और थोड़े से भिंडी की सब्जी बनाऊँगी, और अनन्या को भिंडी बहुत पसंद है और कह रही कि भाई आलू के गुटके बनाओ, आलू के गुटके बनाओ, आलू के गुटके ना मतलब जो गाँव के आलू रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, मार्केट जो आग के आलू होते हैं उसमें एकदम से वो हो जाते तो अच्छे नहीं होते, तो बस अभी सोच रही हूँ कि इनको मंगा रखा मैंने मैंने कहा 1 किलो आलू भी लेके आना, तो बस अभी लेके आएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मेरे को ही जाना पड़ेगा मार्केट सब्जी सब्जी लेने के लिए। तो अन्नू भी अपना स्कूल का काम कर रही है, और आज स्कूल का ही काम तो कर रही है, और ये देखो भाई लगी अच्छा पहले रफ वर्क कर रहे हो और आगे से लगी है, और एक विशेष पता नहीं क्या बना रहे हो, क्या बना मटका टाइप का, अच्छा जन्माष्टमी आने वाली है शायद कुछ बना रहे हो, मटका टाइप का बना रहे हो, वाह वेरी गुड अच्छा बना रखा, मजाक कर रही बेटू। तो बस यार अभी खाना खुना बनाने की तैयारी करते हैं, और यहाँ देखते हैं झिंकवाण जी क्या कर रहे हैं किचन में, चाय बना रहे होंगे जरूर, ये देखो भाई मुझे पता था चाय बना रहे हैं बस एक ड्यूटी है इनकी चाय बनाने की, जब देखो किचन में मिलेंगे तो मैं चाय बनाते हुए, और कुछ भी काम नहीं होता इनसे, जब भी बोलो ना कि भाई क्या काम करोगे ऐसा बोलोगे चाय बनानी या कुछ और काम करना है, ये देखो दूध चाय ये कप है, ये चीनी का डब्बा है, ये दूध का डब्बा है, ठीक है ओके। और कुछ
तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, बाय बाय।